इस गजल से कौन वाकिफ नहीं है। राग भैरवी में पिरोई इस गजल का एक एक शेर कितना खूबसूरत है। तो आप समझ ही गए होंगे आज हम क्या टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। यस, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट गजल्स। सो गजल वर्ड इज एक्चुअली डिराइव्ड फ्रॉम अरबिक लैंग्वेज व्हिच लिटरली मींस कॉन्वर्सेशन विद बिलव्ड। इट्स लाइक अ पोएटिक एक्सप्रेशन ऑफ द एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी, the pain of loss or separation and the beauty of love in spite of that pain. यूं तो गजलों की उत्पत्ति 7वीं शताब्दी में अरब में हुई थी और ऐसा माना जाता है कि हजरत अमीर खुसरो ही इसके प्रथम रचयिता हैं। वैसे गजल शैली को प्रोपोगेट करने में सूफी संतों का और उस टाइम की जो इस्लामिक डायनेस्टीज थी उनका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। सूफी संतों ने अपने प्रार्थना संगीत के लिए फारस की जो गजल शैली थी उसको अपनाया और भारतीय रागों और तालों में ढालकर उसे पेश किया। हम आमतौर पे गजल गायकी को गजलों को गायकी के रूप में सुनते हैं। वैसे तो गजल मेनली कही या पढ़ी जाती हैं और गजल की जो शायरी होती है उसका एक अपना अलग ढंग होता है, वो एक अलग ढंग रखती है। मशहूर जो शायर हुए हैं जैसे कि गालिब, मीर, जौक, इन सब ने बेहतरीन गज़लों की रचना की है और गज़लों की ये खास बात है कि ज़िंदगी का कोई भी ऐसा पहलू नहीं है जिसे वो छूती ना हो। चाहे वो खुशी हो, गम हो, आपकी रिलेशनशिप्स हो, सबको कवर करती है। तो अब समझते हैं कि इसकी शायरी के जो तत्व हैं वो क्या है। गज़लों में शेरों के दो चरण होते हैं जिन्हें मिसरे कहते हैं, यानी कि कपलेट। हर शेर में एक राइम सीक्वेंस होता है जिसे रदीफ और काफिया कहते हैं। जिन शेरों के दोनों मिसरों के रदीफ और काफिया एक जैसे हों उन्हें मतला और जिनमें शायर का नाम आए उसे मख्ता कहते हैं। एक गजल में कम से कम 5 और ज्यादा से ज्यादा 15 तक शेर हो सकते हैं। एक नज्म के विपरीत, नज्म यानी काइंड ऑफ उर्दू गीत, एक नज्म के विपरीत एक गजल के शेरों को एक सामान्य विषय या निरंतरता की आवश्यकता नहीं होती है। प्रत्येक शेर एक विचार की पूर्ण अभिव्यक्ति से युक्त, आत्मनियत और दूसरे से स्वतंत्र होता है। हालांकि सभी शेरों में एक दूसरे के साथ एक विषयगत संबंध होता है, मतलब ये कि हर शेर अपने आप में एक पूरी दुनिया होता है, एक पूरी बात बोलता है। गजल वैसे एक श्रृंगार प्रधान गीत होती है जो कि छोटे मीटर की तालों में गाई जाती है, जैसे कि दादरा है, कहरवा है, रूपक इत्यादि। बड़े बड़े गायक हुए हैं जिन्होंने गजलों को गजल गायकी में, जैसे कि बेगम अख्तर जी, मेहंदी हसन खान साहब, गुलाम अली, जिन्होंने कि गजलों को एक नया आयाम दिया। भारत में भी आप देखें तो हरिहरन जी हैं, तलत अजीज, जगजीत सिंह, आशा भोसले, ऐसे कई गायक हुए हैं जिन्होंने कि गजलों को एक मुकाम दिया है और आम जनता तक इनको पहुंचाने में अपने कॉन्सर्ट्स के थ्रू, रिकॉर्ड्स के थ्रू, अपने जो भी कंपोजिशंस हैं उनके थ्रू एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। तो गजल गायकी को आप सरल तौर पर ये समझ सकते हैं कि बहुत ही जो दिल के करीब होती है उससे आप रिलेट कर सकते हैं। आप अपनी ज़िंदगी के जो पहलू हैं, जो लाइफस्टाइल है, जो आपके कॉम्प्लिकेशंस है लाइफ के, उससे रिलेट कर सकते हैं। गज़लें
कई तरीके की होती हैं। अगर गज़लों में लेंथ जो लाइन की होती है वो ज़्यादा होती है तो उसे हम बड़े बहर की गज़ल बोलते हैं, और अगर लाइन की जो लेंथ है वो कम होती है तो उसे हम छोटे बहर की गज़ल बोलते हैं। तो ये जो गज़ल हैं दीज आर वेरी वेरी टेक्निकल और एक बहुत ही गहरा एक विषय है जानने और समझने के लिए। रियाज के माध्यम से आप शायरी पे कमांड के माध्यम से इन गज़लों को सीखते हुए आप गज़लों को रेंडर कर सकते हैं। तो देखा फ्रेंड्स आपने, हमने कैसे इन गज़लों के बारे में एक जानकारी हासिल करी, और आगे के कुछ सेशंस में मैं आपको लाइव गज़ल्स भी सुनाऊंगी, मैं बताऊंगी कि कैसे गज़लों को रेंडर किया जाता है। तो मेरे साथ बने रहने के लिए यानी दीपशिखा म्यूज़िक में मेरे साथ इस सेशन में बने रहने के लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस सेशन प्लीज डू राइट टू मी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।